जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदर, आभार, अभिनंदन, जोहार, सत श्री अकाल। तो आज जैसा कि बहुत सारे हमारे मित्र साथीगण ये अक्सर मांग किया करते थे कि अपनी दैनिक दिनचर्या दिखाइए, अपनी जीवन शैली दिखाइए, अपने घर के बारे में बताइए, कुछ वीडियोस बनाइए ताकि आपसी प्रेम व्यवहार और मित्रता का भाव जागृत हो, तो उसी के संदर्भ में आज मैंने एक छोटा सा वीडियोज़ बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और तो अब दिनचर्या की ओर चलते हैं, हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या कैसी शुरुआत होती है, तो वीडियोस के आखिर तक बने रहेगा और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। तो यह है हमारी सुबह की दिनचर्या जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे घर का ये साफ सफाई, झाड़ू पोछा चल रहा है, हमारी धर्मपत्नी जी झाड़ू पोछा लगा रही हैं। और इधर कुछ है, कल के पुराने बर्तन थे जिनकी सफाई बस कुछ ही पलों में होगी। और यह हमारा चापाकल हैंडपम्प, इससे हमारी जो जल आपूर्ति होती है, जल आपूर्ति जो पीने के संसाधन में प्रयोग की जाती है। और ये मिठू रहा, मिठू कैसे हो? मिठू कटोरे कटोरे कटोरे, मिठू बोलो कटोरे कटोरे कटोरे, बहुत बोलता कम है, खासकर कैमरे की नज़र से तो एकदम डर ही जाता है, डरा हुआ है शायद। और ये हमारा एक और कमरा है, ये एक मच्छरदानी के लगा हुआ आप देख पा रहे मॉस्किटो नेट, और इसमें रहता है कुछ कृषि उपकरण। ये एक बक्सा है, मैंने इसलिए बक्सा में बंद करके सब ये रखता हूँ मैं इसलिए, ताकि ये बच्चों की पहुँच से दूर रहें। ये कुछ कृषि औजार हैं आप देख पा रहे हैं, कुछ कृषि औजार हैं, और ये एक बक्सा है जिसे मैं बंद करके रखता हूँ। ये कृषि औजार हैं बच्चों की पहुँच से दूर। तो कल रात की पुराने बर्तनों की सफाई शुरू हो चुकी है, जिसे हम लोग बर्तन मांजना भी कहते हैं। बर्तन मांजने से अभिप्राय है बर्तनों को साफ़ सुथरा करना, उन्हें पुनः साफ़ सुथरा करके प्रयोग हेतु उपयोग के लिए। ये बर्तनों की सफाई हो रही है। हम लोग राख से ही बर्तन धोने के इस्तेमाल करते हैं, राख और ये साधारण डिटर्जेंट पाउडर, ये दोनों के मिश्रण से इस्तेमाल करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये राख है, ये राख ही है, और इसमें डिटर्जेंट पाउडर मिलाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा आवागमन के लिए संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं साइकिल, और मेरे पास एक महज साइकिल ही है, थोड़ी सी ख़राब है लेकिन ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी अभी ख़राब है, इसे की मरम्मत करवानी है, ठीक हो जाएगी। ये मैंने सेकेंड हैंड पुरानी ली थी अपने मित्र से, 900 या 1000 रुपये में ली थी, इसी के आसपास लिया था मैंने, एक पुराने मित्र से 900 या 1000 रुपये के आसपास मैंने इसे लिया था। और यही एकमात्र हमारे आने जाने का संसाधन है साइकिल, और अच्छा है, कोई फ़र्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, और अच्छा ही तो है। हम अपने ग्रामीण स्तर में इसे व्यायाम हेतु भी इस्तेमाल करते हैं, और आने जाने का संसाधन भी हो जाता है। जैसे कि बाहर के राज्यों में, मेट्रो सिटीज़ में, शहरों में, बड़े शहरों में लोग जिम में साइकिलिंग करते हैं पैसे देकर, और हमारा स्वास्थ्य लाभ भी होता है, और साइकिल से आवागमन का और प्रदूषण और इस रहित, ये एक संसाधन है, प्रदूषण रहित अपने वातावरण को हम प्रदूषण होने से बचाते हैं, प्रदूषित होने से। तो ये एक साइकिल है। और इधर आइए, हम आपको बता दें,
और ये कुछ अनाज हैं, ये अनाज हैं जो कि हमें प्राप्त हुए थे सरकार की ओर, और इसमें भी अनाज, इसमें चावल है और इसमें गेहूं है, इसमें गेहूं है और इसमें चावल है। अच्छी क्वालिटी का गेहूं है, गुणवत्ता इसकी बहुत ही अच्छी है, कोई ख़राब चावल नहीं है, गेहूं है अच्छी चावल की, गेहूं और चावल चावल है गेहूं। और मैं जब सब्जियां बेचा करता था तो उसका ये कैरेट है। अभी तबीयत ख़राब है, मेरी स्थिति थोड़ी ख़राब है, इसलिए सब्जी बेचने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं एक न्यूरो सर्जरी बीमारी से पीड़ित हूँ, सभी मित्र जानते होंगे, मैं सर में चोट लगने की बीमारी से पीड़ित हूँ, इसलिए सब्जी बेचने में तो खैर असमर्थ हूँ। और ये रहा हमारा ड्राइंग रूम, जिसे हम लोग अतिथि गृह भी कहते हैं, अतिथि कक्ष भी कहते हैं, जो हमारे बाहर के मित्र अतिथि या सगे संग बंधी आते हैं तो इसमें बैठते उठते हैं। और ये हमारा मच्छरदानी है, मॉस्किटो नेट। अभी बिजली नहीं है क्योंकि हमारे गांव में ज़्यादातर समय बिजली कटी ही रहती है, बिजली की खैर असुविधा तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये हमारा एकमात्र, यही एकमात्र पंखा है, आप देख पा रहे होंगे ये पंखा, पंखा हमारा है, एकमात्र पंखा है। और ऐसे हम लोग छत पर भी सो रहते हैं। और ये बच्चों की कुछ लिखने पढ़ने की किताबें, स्टेशनरी सामग्रियाँ, और इधर बच्चों ने कुछ अपनी चित्रकारी की हुई है, भारतीय तिरंगा झंडा। और ये सब चित्रकारी है उन बच्चों की। और इधर एक और दरवाज़ा है, ये खुलता बहुत हम लोग कम इसे खोलते हैं, मगर खोल के मैं दिखा दूँ, ये देखिए एक और ये दरवाज़ा, ये बाहर का परिदृश्य। उधर सब्जी का क्रय विक्री हो रहा है, सब्जियाँ बेची खरीदी जा रही हैं। बाहर कुछ जानवर अपने भोजन कर रहे हैं। और ये लताएं हैं जो कि छत पर हमारी जाती हैं। ये लड्डू नहीं है, उसकी एक छोटी बहन है, ये लड्डू हमारा नहीं है, उसकी एक छोटी बहन है, छोटी बहन है उसकी। तो यही है बाहर का परिदृश्य, एक और हमारा दरवाज़ा। और तो चलते हैं अब घर के पीछे वाले हिस्से में, वो रहा हमारा लड्डू, वो देखिए वो रहा लड्डू, बुला तो लड्डू को बाबू, वो रहा, ये आओ लड्डू आ रहा है, तो चलते हैं अब। तो अभी हम लोग बनाएंगे भोजन सामग्री के रूप में, सब्जी भाजी के रूप में साग, इसे हम लोग साग बोलते हैं, ये हमारी घर की हरी ताजी साग है, भाजी है। तो साग हम लोग, इसे हम लोग खोटेंगे, खोटना कहते हैं, तोड़ने को हम लोग खोटना कहते हैं, देख पा रहे हैं साग तोड़ के हम लोग साग बनाएंगे। हमारी धर्मपत्नी जी साग तोड़ रही हैं, ये हरी ताजी घर की भाजी है। मैं इसमें स्पष्ट कर दूं, किसी प्रकार का खाद, कीटनाशक, केमिकल या अन्य किसी रासायनिक तत्व का इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार का रासायनिक तत्व का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हरी ताजी आप देख पा रहे होंगे, हो गया
ठीक, चलो इतना काफ़ी है। तो ये हम लोग जो भाजी लाए थे काट कर तोड़ कर, उसकी सफाई चल रही है। और ऐसे तो सामान्यतः कीड़े वगैरह कुछ होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से साफ़ सुथरा करके अच्छी तरह धो पका कर खाते हैं, उपयोग करते हैं। और इसकी फिर कटाई होगी। अब देख रहे हैं कितने हरे ताजे हैं। इसकी अब साफ सफाई की जा रही है, जो ये भाजी है। अब चावल को धोया जा रहा है। हालांकि ये स्वच्छ है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर हो जाए, किसी प्रकार की गुंजाइश न बच जाए, इसीलिए हम लोग इसे धो ले रहे हैं। और ये सीढ़ियों से छत की ओर जाने का रास्ता प्रारंभ होता है। ये मैंने इसे पर्दा हटाया, हालांकि यहाँ एक रहता था डोर दरवाज़ा, लेकिन टूट गया है, बारिश में भीग भीग कर ख़राब होकर टूट गया है एक दरवाज़ा था, तब इसे केवल पर्दे के से ही हम लोग ढक दिए हैं, इसे पर्दे से के वजह से ही ढक दिए हैं। और ये सीढ़ियों से जाने का रास्ता है जो कि छत की ओर जाता है। मैं छत की ओर बढ़ रहा हूँ और मैं आ गया अब छत पर। आप देख पा रहे होंगे एक तिरंगा हमारा, और बच्चों द्वारा लगाया गया एक 10 o'clock, 9 o'clock फूल पुष्प। रंग बिरंगे पुष्प लगाकर हमारे बच्चे और ये है हमारे गांव का, हमारा बच्चा भी बाबू भी जा रहा है, और उसके गाड़ी लिया हुआ है उसने अपने हाथों से बनाया है, एक गाड़ी है उसका। गाड़ी से अभिप्राय है बच्चों की खेलने की एक। और इधर आपको दिखा दें हमारे गांव का परिदृश्य, ये हमारा गांव है। और ये उधर खेत, ये हमारे गांव का परिदृश्य है। और ये जानवरों के आहार के लिए एक है, उनकी आहार है जिसे हम लोग कुट्टी कहते हैं, जानवरों का भोजन जो गोल शेप में, पिरामिड शेप में वो लगाया हुआ है, वो जो आप सामने देख पा रहे हैं, पिरामिड शेप के आकार का जो है वो जानवरों का भोजन है।